डॉक्टर आनंद, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर, 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 मेरे भाई ने जहर खा लिया है। कहाँ है? यही नीचे ऑटो में, आप जरा चल कर देखिए ना। आइए। बिल्कुल चिंता मत करो, हाँ डॉक्टर साहब आते होंगे। आइए आराम से, आइए डॉक्टर साहब। आ गए, आ गए डॉक्टर साहब, आ गए। डॉक्टर वो बेहोश हो गया है, जरा देखिए। ए, इसको पकड़। भाई। हाँ बोल। इसका थोबड़ा देख लीजिए। काशी, पता नहीं क्यों इस चेहरे से मुझे नफरत हो गई है। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है भाई। ए, वो हथौड़ा दे। ए, तुझे क्या हुआ? पता नहीं भाई, खून निकल रहा है। मच्छर ने काटा होगा, मलहम लगा लेना, ठीक हो जाएगा। भैया मारो इसे। कभी मिलेंगे? सर, सस्पेक्ट की लोकेशन हमारे हाथ लग गई है सर। अरे तुमने पुलिस को मामू समझ रखा है क्या? नहीं चल ठीक है, मान लिया कि तुम लोग दो हो, तो फिर दूसरा कहाँ है? सर, ये डॉक्टर आनंद ही लग रहे हैं। शक्ल एक जैसी है सर। सर पता लगाना होगा कि आपके सामने कौन बैठा है। ओवर। ठीक है ओवर।
अगर आनंद वहाँ है तो इस वक्त मेरे सामने कौन है? देव, मैं एक जादूगर हूँ। मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। पुलिस कस्टडी से फरार हुए अपराधी देव को पकड़ने के लिए कमिश्नर रत्नाकर के अंडर 4 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान कमिश्नर की हथकड़ी कमिश्नर को ही पहनाकर देव बड़ी चालाकी से फरार हुआ। पुलिस देव को हर जगह ढूंढ रही है, जो भी देव को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? अपुना का जिंदगी किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए आज पहली बार अपने को बुरा लग रहा है। मेरे को मालूम है तुम अंदर से क्या सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, पर अपने को समझाने का मौका दोगी तो। अगर तुम मेरे को पुलिस के हवाले करना चाहती तो पेरिस में ही कर सकती थी। साथ बिताए 3 दिन, तुम आज तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई हो। अब उनको देर से सिर्फ 15 मिनट चाहिए, शुरू से आखिर तक सब समझा दूंगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी जो करो। और अब इस मेडिकल गंदगी की साफ सफाई में सिर्फ एक ही प्यादा बचा हुआ है, उसको टपका डाला तो पूरा स्कैम ही खल्लास हो जाएगा और देश में बदलाव आएगा। और इसी कोशिश में मैं जिंदा रहूंगा या नहीं ये बोल नहीं सकता। यहां से जाने से पहले अब उनको तुमको कुछ बोलने का था जो पेरिस में नहीं बोल पाया। आई लव यू। नमस्कार। हाँ नमस्ते तारा। डॉक्टर आनंद, अब आपकी तबीयत कैसी है? मूड ठीक हुआ कि नहीं? क्या हम जान सकते हैं ये हूर परी कहाँ जा रही है? अगर रूअफसा पीने का मूड है तो जल्दी से चौराहे पे आ जा। तने घर पे आ जाओ, हम अकेले हैं। ठीक है ठीक है, आती हूँ आती हूँ। डार्लिंग आई विल कॉल यू बैक। ओके। दीदी हमारी कॉलेज बस मिस हो गई है, हमारा एग्जाम है, प्लीज हमें ड्रॉप कर दो ना प्लीज। ठीक है ठीक है, आ जाओ। थैंक्स। थैंक यू। कौन सा एग्जाम है? इकोनॉमिक्स का। आ गए, इसे तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है तारा। हाय आनंद, आई एम डैनियल लॉरेंस, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। देवानंद? हाँ जी। नहीं मैं आनंद हूँ। तो फिर देवानंद कहाँ है? जो कुछ पता था वो मैं पुलिस को बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। सरला, तुम्हारी माँ काली माँ के मंदिर गई है ना, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तारा हाईवे पर गाड़ी चला रही है। रोजमर्रा की तरह माँ घर आ जाएगी, तारा ऑफिस पहुंच जाएगी, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस सिचुएशन को बदल सकता हूं आनंद। 1 2 3 बूम। तुम्हारी माँ का फोन है, उठाओ। बेटा एक अजनबी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कहाँ हो तुम? वेट। 3 2 1 बूम। माँ की आवाज सुन ली, अब तारा को देख ले, शर्मा मत। आनंद अब क्या करेगा तू? हर लड़के की लाइफ में ये कंफ्यूजन तो आता ही है, माँ या गर्लफ्रेंड। आराम से आराम से, बचाने जा रहा है उन्हें ना, तो सुपरमैन है ना ही स्पाइडरमैन, तू तो सिर्फ एक आम आदमी है। आनंद इस वक्त उन्हें सिर्फ थानोस बचा सकता है और वो मैं हूँ। कान आराम से। वेट, मैं कोई रंगा बिल्ला थोड़ी हूँ जो तू हाथ चला रहा है। अगर तुझे टेंपर खोता देख मैंने टेंपर खो दिया तो तुझे पता है ना क्या होगा। यहाँ होती है ना,
अगर सर्जिकल नाइफ से कट मार दूं तो 5 मिनट में तेरी माँ और गर्लफ्रेंड दोनों उन्हें कुछ हुआ तो बता कहाँ है वो? देव चाहिए मुझे। अगर मैं तुझे दोबारा मारूं तो फिर वो तुझे बचाने आएगा। खैर आज तेरी माँ और गर्लफ्रेंड सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। आज तो आ जाएंगे पर कल माँ। हाँ बेटा। मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। और नहीं तो क्या? और पापा का? क्या बोला तू? अपने बाप पे शक कर रहा है? वो तो कि ज़ेरॉक्स कॉपी थे, उसका और तेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा माँ ठीक है। एक मिनट आनंद, जरा ठीक से याद करो उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। उस रात को मैंने जो चेहरा देखा था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरा चेहरा था और वो ठीक मेरे सामने ही खड़ा था। उसने मुझे मारा लेकिन कोई और मुझे वहां से उठाकर ले गया था। बस किसी तरह ये पता चल जाए कि वो दूसरा कौन था तो। इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? क्लिनिक को ताला मार रहा था भाई, ये रही चाबी। चादर चाहिए तो ले जाओ। नहीं भाई, अपना गोनी जिंदाबाद। क्या बात है? बहुत थकावा लग रहा है, जाके सो जा। हाँ वो तो है, जाता हूँ। क्या हुआ? तो बच्चा लोग, क्या अंकल लोग आ गए? हाँ दादा, वो लोग आ गए। चलो चलो चलो, मियाँ रत्नाकर थोड़ा झुक कर अंदर आना, काफी लंबे हो गए हो तुम। अगर आपको पता था कि हम आने वाले हैं तो आपको हमारे आने की वजह भी पता होगी।